सो ये है हमारा साइन इन बटन, मैंने साइन इन किया। यहाँ पर साइन इन करते ही मुझे मेरा डैशबोर्ड दिखाई दिया। यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड KYC, शॉप नाउ, वॉलेट, माय ऑर्डर्स, माय प्रोफाइल, ये सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। डैशबोर्ड में आपको आपका बिजनेस दिखाई देगा करंट मंथ का। मैंने डैशबोर्ड में क्लिक किया, आपको यहाँ पर करंट मंथ कितना आपका बिजनेस हुआ है ये आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा। ये प्रोसेस अभी भी है आपका, यहाँ पे देखो कि सेल्फ कितना किया आपने, फर्स्ट परचेज कितना किया है, फर्स्ट SV कितना हुआ है, रीपरचेज कितना हुआ है, टोटल आपका अब तक का कितना हुआ है, ये आपको यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पे करंट मंथ का यहाँ पे दिखाई देगा। सो दिस वे आप आपका बिजनेस देख सकते हैं, ये आपका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी आपका जो भी नाम है, बैंक डिटेल अपडेट है क्या, बैंक क्या अपडेट है क्या, ये डैशबोर्ड हुआ। उसके बाद KYC है, KYC आप आपका यहाँ पे डिटेल्स, यहाँ पे चार चीज़ अपडेट हो गया है, आपको नेक्स्ट अपडेट में दिखाई देगा। ये आपको बैंक, पैन और आधार, ये तीनों आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जहाँ पे आप आपका नंबर आप टाइप कर लेंगे, जो भी नंबर आपका है, और सिंपली आप आपका अपलोड करके कैमरा सेलेक्ट कर आपका जो भी आधार कार्ड है उसको आप फ़ोटो ले लेंगे। सपोज़ मैंने फ़ोटो ले लिया, उसको मैंने टिक किया, यहाँ पे जो है सबमिट का एक ऑप्शन है, ये सबमिट हो जाएगा आपका आधार। इस तरीके से आपका KYC ईजी वे ऑफ अपडेट कर सकते हैं। इसमें तीन चार आपका बैंक डिटेल सारी चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा शॉप नाउ है, शॉप नाउ में भी ये सारे प्रोडक्ट्स का आपको यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। आपको जो कैटेगरीज हैं कैटेगरीज में क्लिक कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रॉसरी, तो ग्रॉसरी में जाकर सिंपली आप 1 दबाइए, ऐड कीजिए, आपका कार्ट में ऊपर ऐड हो गया। सो यहाँ पर आपने क्या ऐड किया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दिस वे आप आपका डैशबोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसी तरह आपका ई वॉलेट है, ई वॉलेट में हमने एक अपडेट अभी नेक्स्ट अपडेट में आ जाएगा, जहाँ पे आप आपका ई वॉलेट का बैलेंस और उसे कैसे ऐड वॉलेट करना है वो तीन ड्रॉप डाउन यहाँ पे आ जाएगा। सो इस तरीके से आपका सारा डिटेल्स है, इसमें एक अपडेट्स भी होना बाकी है, आपको कल का अपडेट्स में ये सारे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये बाकी के सारी चीज़ें आप एज इट इज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वॉलेट में आपको क्रेडिट रिक्वेस्ट कैसा करना है। हमने पेटीएम से ऐड किया है, अभी क्रेडिट रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे डाला। सो यहाँ पे मैंने 100 रुपीज़ डाल के सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, यहाँ पे मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करता हूँ। ऑनलाइन सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे मैंने रिमार्क डाल दिया, सबमिट करते ही ये डायरेक्टली मुझे पेटीएम में ले जाएगा। पेटीएम मेरे अंदर ऐड होना ज़रूरी है, यहाँ पर मैं मेरा मोबाइल नंबर डालूँ, प्रोसीड कर सकता हूँ, OTP आएगा, वो चेक करके वेरीफाई करते हैं। अभी मैंने वेरीफाई कर दिया, मैं यहाँ पे मेरे पेटीएम के बैलेंस से डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया और मेरे वॉलेट में वो पैसे आ गए। यहाँ पे मैं देखूँ मेरे शॉपिंग वॉलेट समरी में, हाँ यहाँ पे मैंने आज का तारीख है 15 सितंबर, 100 रुपया मैंने अभी मैंने क्रेडिट रिक्वेस्ट किया, आ गया मेरा बैलेंस ऐड हो गया। ये 703 था, अभी 803 हो गया। तो इसी तरह मैं इजीली मैं मेरे इस पे आप वॉलेट में शॉपिंग वॉलेट में आप क्रेडिट रिक्वेस्ट जो है बहुत सिंपल तरीके से आप क्या बोलते हैं, इवन आप बाकी रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करने के बाद आपको पेटीएम और भी बहुत सारे ऑप्शंस पेटीएम के पास हैं, जो आप आपका समझो UPI पेमेंट है तो आप गूगल पे के थ्रू कर सकते हैं UPI डालने पर। इसके प्रकार आपका नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो जो भी बैंक आपका है अवेलेबल डायरेक्टली आप कर सकते हैं, तो आपको क्रेडिट रिक्वेस्ट अप्रूवल वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कैंसिल पेमेंट मैं भी यस कर रहा हूँ, सो मैं बैक टू मेरा स्क्रीन पे आ गया। तो ये छोटा सा चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताया, आगे डिटेल में मैं एक एक सेगमेंट को हम और एलैबोरेट करके बताएंगे। ये छोटा सा चीज़ें आपके लिए एट प्रेजेंट काफ़ी होगा, कुछ कन्फ्यूजन है प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू सो मच।